आज से ठीक 1.5 महीने पहले की बात है, जज्जर के गांव रोडियावास में दिल्ली की एक लड़की आई थी। उसे मालूम नहीं था कि गांव में इंसान की खाल, दिन दहाड़े दरिंदे घूमते हैं और वो लड़की उन्हीं दरिंदों का शिकार हो गई। लड़की के साथ हुआ कुछ ऐसा कि हवस के भूखे दो हैवानों ने उस लड़की को किडनैप कर लिया, उसके साथ गैंगरेप भी किया और फिर मौत के घाट उतारते हुए उसकी लाश को जमीन में दफन कर दिया। दोनों आरोपियों को शायद यकीन था कि वो बच गए, मगर 1.5 महीने बाद कानून के लंबे हाथ जब आरोपी के गिरेबान तक पहुंचे तो दिल को दहला देने वाली इस घटना का पर्दाफाश किया गया। ये सर ना, ये लड़की 15 फरवरी को अपने घर से आई थी, अपनी मर्जी से यहाँ पे रुडियावास गांव में आई थी। वहाँ पर ना ये दो बंदों ने अगवा कर लिया था, जिन्होंने इसका रेप करके ना मर्डर कर दिया था और जमीनों का डाक भी दबा दिया था। इससे कल हमें अपने हिसाब से ना एक मुझे गिरफ्तार कर दिया है और इस बॉडी को जमीन से कटा होकर निकाल लिया। अब इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, आगे आगामी कार्रवाई बनी जाएगी। ये कहाँ से थी? ये दिल्ली से थी, काम तो कुछ नहीं करती थी। ठीक, तो कोई गिरफ्तारी हुई इसमें? हाँ, एक मुझे गिरफ्तार है। ठीक है, पोस्टमार्टम यहाँ होगा या रोहतक में होगा? नहीं, रेफर रोहतक होगा जी, बोर्ड से करवाया जाएगा, बोर्ड से करवाया जाएगा। दरअसल बीती 15 फरवरी को दिल्ली की वो लड़की जज्जर के गांव रुड़ियावास आई थी और तभी से वो लापता हो गई थी। परिजनों ने पुलिस की लड़की के लापता होने की शिकायत दी, जिसके बाद से लगातार पुलिस छानबीन में जुटी हुई थी। पुलिस ने सनसनीखेज वारदात में शामिल एक आरोपी को दबोचा है, जिसकी निशानदेही पर लड़की का शव भी जमीन से बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि इस मामले में पुलिस अभी भी कुछ भी खुलासा करने को तैयार नहीं है, लेकिन लड़की का बोर्ड द्वारा मेडिकल कराया जा रहा है ताकि रिपोर्ट में असली सच्चाई क्या है वो सामने आ सके। जज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।